सो गाइस, नागा स्टाइल पोर्क बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर दिया है। कढ़ाई में कुछ नहीं देना है, तेल वेल सीधा पोर्क दे दिया है मैंने। ये पोर्क मैंने पहले से ही धो के बॉईल करके रखा हुआ था अच्छे से साफ करके, तो इसे सूखा कढ़ाई में ही पूरा हिलाना है अच्छे से। इसका जो तेल है, ऑयल है, उसका ऑयल को निकलने देना है। तो ऐसे फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया है ड्राई चिली। ड्राई चिली को भी पोर्क के साथ अच्छे से हिलाएंगे थोड़ी देर, उसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। कुछ नहीं देना है, सिर्फ ऐसे ही सूखा फ्राई करना है, अच्छे से हिलाएंगे इसे। हमारा ड्राई चिली भी होने वाला है फ्राई कर करके, काफ़ी लगभग 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी। गर्म पानी थोड़ा, मतलब ड्राई चिली पकने तक थोड़ा दे, ज़्यादा ना दे, ज़्यादा हम बाद में फिर से देंगे। अभी मैंने थोड़ा सा दिया है ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। लगभग 70% पकने तक देना है पानी। अब इसे पकाएंगे थोड़ी देर, लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे गर्म पानी में। वैसे मैं ज़्यादा पोर्क तो खाती नहीं हूँ, पर खाती हूँ तो थोड़ा अच्छा से बनाना होता है, तभी खाने का मन करता है। तो इसे मैंने ढक दिया है, ढक के अभी शायद 2-3 मिनट हो चुका है। तो इसे अभी इसका जो मिर्च है ये पक चुका है थोड़ा, तो इसे निकालेंगे। इसके पूरा पीस के फिर से देना है इसके झोल में। तो सभी मिर्च मैंने निकाल लिया है। मैंने स्टार्टिंग से इसमें नमक नहीं दिया था, तो अब ये जो मिर्च मैंने निकाला है ड्राई चिली, इसमें मैं नमक दूंगी। और पोटैटो भी मैंने दे दिया है इसी झोल में। अब ये भी पकते रहेगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम यहाँ पे ड्राई चिली को पीसेंगे। यहाँ पे मैंने नमक दे दिया है, जितना सब्जी में जितना नमक चाहिए उतना नमक दूंगी। अभी स्टार्टिंग से मैंने नमक नहीं दिया था, इसे मैं दे दूंगी एक ही बार में, इसके बाद मैं दोबारा नहीं दूंगी। तो इसे पूरा पीस ले। नमक देने से ही चिली अच्छा से मिक्स होता है, मैंने पीसने में अच्छा होता है नमक देने के बाद। तो इस मिर्च को अब मैं झोल में दे दूंगी। एंड हाँ, पोर्क में आप चाहे तो पटेटो दे सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे हबी को पटेटो पसंद है पोर्क में, और इसमें पटेटो भी दूंगी, साग भी दूंगी। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ पोर्क ही बॉईल करके खा सकते हैं, पर मैंने पटेटो दे दिया है। अब ये है मिजिंगा गुटी, ये नागा का है, पता नहीं इसे यहाँ क्या बोलते हैं, पर हमारे नोटिस में इसे मिजिंगा गुटी बोलते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसे सोक करके भी दे सकते हैं, पर मैंने सोक करके नहीं दिया है, क्योंकि सोक करने से इसका स्मेल बहुत काढ़ा आता है, इसलिए मैंने बिना सोक किए दिया है। और इसका अभी जो लास्ट है, यहाँ पे पूरा पानी दे दूँगी जितना चाहिए। और ये कलर देखिएगा इस, वाओ, इतना कलर, मज़ा आया है कलर देख के, मुझे खाने मन कर रहा है। मैंने पोर्क को पकने के लिए रख दिया है। यहाँ दूसरी तरफ मैं जिंजर और गार्लिक को पीस लूँगी। यहाँ पे ज़्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा दर दर रहने देना है, ताकि बॉयल में फ्लेवर अच्छा। और इसे मैं लास्ट में दूंगी, पहले नहीं दिया है। लास्ट में देने से जिंजर गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं अभी स्वीट ऐड करूँगी, बेम्बू स्वीट ज़्यादा ना दे, थोड़ा कम दे, ज़्यादा देने से ज़्यादा खट्टा जैसा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम दिया है। जितना चाहिए उतना ही दे, आपको जितना पसंद है, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा दे। और यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने दे दिया है। अब इसे थोड़ा उबालने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ साग, लाई शाक। लाई शाक को फिर थोड़ा पकाना पड़ेगा, या फिर 5 या 6 मिनट पकाने के बाद हमारा मीट रेडी हो जाएगा। अब लाई शाक डालने के बाद थोड़ा हिला उला लिया है मैंने। हिला उला लेने के बाद इसे मैं ढक दूँगी ताकि ये पूरा पक जाए। सो हमारा पोर्क पक चुका है, लाई शाक भी पूरा पक चुका है। वाह, द कलर देखिएगा, इस कलर इतना मस्त आया कि खाने मन कर रहा है, मुँह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी डिलीशियस लग रहा है। तो मैं खाना शुरू करती हूँ, बाय बाय।
Wow.